दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन दिनों से लापता युवक छोटका इर्रग्गा निवासी विकास कुमार उर्फ उमा रजक पिता कन्हैया रजक का शव चिरवा में बंद पड़े पत्थर खदान में मिला। बताते चले कि बीते मंगलवार को मृतक का कपड़ा और चप्पल खदान के पास मिला था, जिसकी सूचना दारू थाना को दी गई। घटनास्थल पर प्रशासन द्वारा छानबीन शुरू की गई थी, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से खदान भरे पानी में खोजा गया, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से खोज पूरी नहीं हो पाई। वहीं प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ को सूचना दिया गया, जिसके बाद रात्रि में एनडीआरएफ की टीम दारू पहुंची। टीम के द्वारा आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें चार घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। शव के मिलने के बाद परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। थाना प्रभारी को पूछे जाने पर मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। शव मिलने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वही इलाके में मातम छा गया है। दारू से रवि कश्यप की रिपोर्ट। मछली उछली मारने के बाद फिर जो लड़का जो है फेकवा बोलते हैं, उसके साथ फिर वो सर झुमरा गया, धर्मा दुकान एक बोलते हैं, वहाँ पे जाके सर उन लोग शराब पिया। अब वो धर्मा को हम लोग फ़ोन किए तो वो बोला कि नहीं, मेरे पास तो उन लोग नहीं आया था, ऐसे करके रिपोर्ट मिला वहाँ से। और उसके बाद फिर सर वो बोला कि फिर हम लोग अच्छे दुकान है शर्मा का होटल करके है दारू में, दारू स्कूल जो हाई स्कूल उसके बगल में है, फिर उन लोग वहाँ शराब पिया। फिर वहाँ शराब पीने के बाद सर जो बड़वर में जो है सर जो समठा बोलते हैं दिलीप नाम है उसके पास आके शराब पिया। और उसके बाद फिर बोलता है सर कि हम उसको ला के यहाँ चिरवा में छोड़ दिए, जो फेकवा जो है वो बोला कि हम उसको चिरवा में ला के छोड़ दिए लगभग 2:20 के आसपास में। उसके बाद वो बोला था कि नहीं यहाँ पे उमेश आने आने वाला है। और लास्ट कॉल सर जहाँ तक दिख रहा है तो उमेश से ही इस बात हुआ है। आप लोगों को ये शक है कि इसका हत्या किया गया, ऐसा कोई शक है? इसका हत्या किया गया सर, ये इतना निडर लड़का था सर कि इसको मतलब कि मतलब वो अपने नहीं मारेगा सर, वो तैरने वाला लड़का है सर वो। तो आप लोग को पता कैसे चला कि यहाँ पे है पत्थर खदान में? एक्चुअली सर हम लोग सर कल सुबह हम लोग 7-8 बजे के आसपास में हम लोग आए सर देखने के लिए, सर्च अभियान करने के लिए, तो देखे कि यहाँ पे इसका कपड़ा खुला हुआ था। कपड़ा के ये में आप लोग? हाँ, कपड़ा के ही शक से गया सर कि यहाँ पे वो शायद मतलब कुछ हुआ होगा यहीं पे। तो पहले पुलिस को आवेदन दिया गया था कि गुमशुदगी का, तो हाँ, क्या आवेदन चेंज करके कोई नया आवेदन देना चाहते हैं आप लोग? हाँ जी सर, आप लोग आवेदन देंगे? जी सर, हमारे यूनिट हेडक्वार्टर बिहटा पटना को डिपोजिशन दिया गया, उसके बाद हमें वहाँ से आदेश मिला जहाँ की आप हमें जगह पे खड़े हैं, दारू थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक जो एबंडनेड खदान है उसमें डूब चुका है। उसके बाद शाम को हम लोग वहाँ से चले तो यहाँ लगभग 9:15 बजे हम लोग दारू थाना स्टेशन में पहुँचे थे, और फिर सुबह फर्दर 5 बजे से हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और लगभग 9 बजे यहाँ डेड बॉडी हमें मिल गई। कितना मुश्किल था सर ये रेस्क्यू, किस तरह का था रेस्क्यू? तो बहुत ही मुश्किल था, कारण कि एबंडनेड खदान है, अंदर में पत्थर है और पता नहीं चल रहा था ये बॉडी कहाँ गई है, तो ये अंदर चट्टानों के बीच में जाकर फंसा हुआ था, इससे कि सर्च करने में हमारे डीप ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू लगभग कितनी देर चली थी? ये रेस्क्यू लगभग 4 घंटा चला।